गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई चेतना गुप्ता वेलकम यू ऑल टू द बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास इलेवेंथ का चैप्टर फिफ्टींथ है जो उसको कंप्लीट किया था तो आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करेक्ट तो अस स्टार्ट विद अ क्विज सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर इज आपने ऑप्शन में से जो आपके पास फोर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये बताना है नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स नेचुरल हॉर्मोन कौन सा है एन ए ए टू फोर डी बेन्जेल्डीहाइड और इज इट इथाइलिन करेक्ट तो आपको इसका ऑप्शन बताना है कौन सा होगा नैचुरल ग्रोथ रेगुलेटर हमने लेक्चर में डिस्कस किया था नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से होते हैं जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल रहे थे प्लांट से मिल रहे थे जिनको हमने सिंथेसाइज नहीं किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज इज सबसे लंबा ग्रोथ का फेज कौन सा होता है हमने ग्रोथ के अलग अलग फेजेस पढ़े थे जिसमें लैग फेज था लॉग फेज था स्टेशनरी फेज था या सेनेसेंट फेज था तो यही आपके पास ऑप्शंस हैं लैग फेज सेकेंड इज स्टेडी फेज थर्ड इज लॉग फेज एंड फोर्थ वन इज सेनेसेंट फेज तो इन फोर ऑप्शंस में से लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज कौन सा है वो आपको बताना है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ इज़ रिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़ रिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप इ रिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़ और इज इट नन ऑफ द अबव ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है क्या वो रिवर्सिबल होता है साइज़ इंक्रीज़ हो गया डिक्रीज़ हो गया क्या वो शेप जो चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है कि शेप चेंज हो गई फिर से वापस वैसी हो गई या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है या फिर इनमें से वो कोई सा भी प्रोसेस नहीं है तो आपने करेक्ट आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिबेरेलिन वर फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जो हार्मोन है हमारा जिबरेलिन वो सबसे पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था निकाला गया था ऑप्शंस आर कॉलियोप्टाइल टिप रूट टिप फंगस और इज इट बैक्टीरिया करेक्ट तो आपने ये बताना है इन चारों में से सबसे पहले जिब्र को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाय वर्नलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस करके जो प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट है उसको ऑल्टर कर सकते हैं तो सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी ऑप्शंस आर फर्स्ट इज़ गार्नर एंड एलर्ड सेकेंड इज डार्विन, थर्ड इज़ जॉफ्री एंड फोर्थ इज लाइजेंको तो आपको इन चारों साइंटिस्ट के नेम्स में से ये बताना है कि वर्नलाइजेशन टर्म किसने क्वाइन की थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंसेस विच ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड कंट्रोल ग्रोथ एल्सवेयर ऐसे जो पदार्थ या सब्सटेंसेस हैं जो बन तो कहाँ पे रहे हैं स्टेम की टिप पे। लेकिन ग्रोथ को उसके अलावा और जगह पे क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आर दे एंजाइम्स सेकेंड दे आर हॉर्मोन्स थर्ड दे आर वाइटमिन्स और नन ऑफ दी अबव क्वेश्चन क्लियर है आपको सब्सटेंसेस कहाँ बनते हैं स्टेम की टिप पे लेकिन वो ग्रोथ को कहाँ कंट्रोल करते हैं कहीं और तो क्या क्या कहा जाता है उन्हें क्या वो एंजाइम्स हैं क्या वो हॉर्मोन्स हैं क्या वो वाइटाम्स हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्ग डे प्लांट इज टमैटो पोटैटो कॉटन और इज इट स्पिनच लॉन्ग डे प्लांट का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है लॉन्ग डे प्लांट मीन्स जिन्हें डे की लेंथ या लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमने लेक्चर में डिस्कस किया था फोटो का प्रोसेस जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कम लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो इस क्वेश्चन में हमने यही पूछा है कि लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है जिसे लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फोर ऑप्शंस आपके टमेटो, पोटैटो कॉटन और स्पिनच नेक्स्ट इज द डे न्यूट्रल प्लांट इज डे न्यूट्रल प्लांट का क्या मतलब है ऐसा प्लांट जिसे लाइट की ड्यूरेशन से उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्या वो टोबैको है टमेटो है वीट है या फिर ओट है तो आपको चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है डे न्यूट्रल प्लांट का डे न्यूट्रल का मतलब आपको समझ में आ गया मीन्स जिनको लाइट की ड्यूरेशन से ग्रोथ पे उनकी या डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन रेगुलेट प्लांट ग्रोथ आपके पास चार ऑप्शंस हैं आपने बताना है कि कौन इन चारों में से प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है ऑप्शंस हैं कमेंसलिज्म क्लाइमेट हॉर्मोन्स और बोथ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम ग्रोथ अ इन ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी लाइट में होती है इज इट ब्लू लाइट इज इट वाइट लाइट इज इट रेड लाइट और इज इट ग्रीन लाइट करेक्ट आपको पता है कि जो हमारी वाइट लाइट है वो सेवन कलर्स में स्कैटर हो जाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट हम स्पेशली कोई उस पर ब्लू कलर की लाइट लगाएंगे जो हमारी सन से रेडिएशन आती हैं वही सेवन कलर्स में क्या हो जाती हैं स्कैटर हो जाती हैं तो विपग्योर के बारे में आपने सुना होगा उसी में ब्लू कलर है उसी में रेड कलर है उसी में ग्रीन कलर है और जो सब जब सब कंबाइंड हैं तो वो क्या कहलाती है वाइट लाइट तो आपको बताना है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम या मैक्सिमम कौन सी लाइट में होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ कलरलेस गैस दैट सर्व्ज एज अ सिग्नलिंग हॉर्मोन एक गैस का नाम बताना है आपने जो प्लांट्स में सिग्नल्स सेंड करने का काम करती है फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजीन सेकेंड इज नाइट्रिक ऑक्साइड थर्ड इज ओजोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ अबव बेंजीन नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन या फिर इनमें से कोई भी नहीं कौन सी गैस सिग्नलिंग हार्मोन की तरह काम करती है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ प्लांट हार्मोन जनरली प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट एक प्लांट हार्मोन का नाम बताना है आपने जो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होता है फर्स्ट इज इथाइलिन सेकेंड इज इथेन थर्ड इज आर्गन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दी अबव तो इन चारों में से आपने ये बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है जो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज सीड डॉर्मेंसी इज ट्रिगर्ड बाय जो सीड डोरमेंसी है डॉर्मेंट कंडीशन क्या जब सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है वो प्लांटलेट में चेंज नहीं हो रहा तो सीड की डॉरमेंसी को ट्रिगर स्टार्ट करने वाला हॉर्मोन कौन सा है इज इट इंडोल 3 थ्री इथेनोल इज इट एप्सिस एसिड इज इट कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ दी अबव? तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस सीड डोरमेंसी को ट्रिगर करता है नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिन चार ऑप्शन हैं आपके पास हमने ऑक्सिन्स के बारे में डिस्कस किया था कि नेचुरल भी हो सकते हैं सिंथेटिक भी हो सकते हैं करेक्ट तो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड सेकेंड ऑप्शन इज मैलिक हाइड्रोजाइड थर्ड ऑप्शन इज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड तो इन चारों में से कौन सा ऑक्सिन नहीं है ये बताना है आपको प्लांट ग्रोथ कोकोनट मिल्क में कौन सा साइटोकाइनिन प्रेजेंट है साइटोकाइनिन भी यू नो हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है प्रमोट करता है तो कोकोनट मिल्क में कौन सा साइटोकाइनिन प्रेजेंट है जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड सेकेंड ऑप्शन इज इंडोल थ्री एसिटिक एसिड थर्ड ऑप्शन इज जेलेटिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज जियेटिन नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट हु फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन वॉज एस साइंटिस्ट जिन्होंने किसको आइसोलेट किया था साइटोकाइन को आइसोलेट किया था वो कौन थे वाइट सेकेंड ऑप्शन इज कूग थर्ड ऑप्शन इज लीदम एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनोडल इलोंगेशन इज प्रमोटेड बाय एक्शन ऑफ आपको पता है इंटर नोड क्या होता है दो नोड्स के बीच की जो लेंथ है दैट इज नोन एज इंटर नोड तो इंटर नोडल इलागेशन इंटर नोड की लेंथ को या बेसिकली स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने वाला प्लांट हॉर्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा होता है फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन्स सेकेंड इज जिबेलिक एसिड थर्ड इज साइटोकाइनिन एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड नेक्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपके पास चार ऑप्शन हैं उसमें प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस मैंशनड है आपको ये बताना है कि जो डेवलपमेंट होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है फर्स्ट इज फ्रूटिंग फ्लावरिंग जुवेनिलिटी एंड जर्मिनेशन सेकेंड ऑप्शन इज जर्मिनेशन जुवेनिलिटी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग थर्ड ऑप्शन इज फ्लावरिंग फ्रूटिंग जुवेनिलिटी एंड जर्मिनेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज जुवेनिलिटी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग एंड जर्मिनेशन तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ शूट और अ रूट इन्वॉल्व जब किसी शूट या रूट की ग्रोथ होनी है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं फर्स्ट ऑप्शन सेल एनलार्जमेंट सेकेंड ऑप्शन सेल डिविजन थर्ड ऑप्शन इज सेल डिफ्रेंसीेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दबव क्या ये तीनों इन्वॉल्व हैं या फिर इन तीनों में से कोई एक इंडिविजुअल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रूट या शूट की ग्रोथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ़ फ्लारिंग एक्सेस इन मैनी प्लांट्स इज कॉज्ड बाय फ्लारिंग एक्सेस पे रैपिड ग्रोथ कैसे होती है फर्स्ट इज लोअर लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड सेकेंड इज हायर लेवल ऑफ ऑक्सिन, थर्ड इज हायर लेवल ऑफ जिबेलिन और फोर्थ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सिन तो आपने ये बताना है कि फ्लारिंग एक्सेस पे जल्दी जल्दी ग्रोथ कैसे होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैलस रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ टू हॉर्मोन्स कैलस मीन्स ऐसा टिश्यू जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन अभी वो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं मीन्स वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो कौन से दो हॉर्मोन्स डालने से कैलस की क्या हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन मीन्स अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए केपेबल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन एंड जिब्रिलिन सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्सिन एंड एप्सिसिक एसिड थर्ड ऑप्शन इज जिबरेलिन एंड एप्सिसिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई ए एंड साइटोकाइनिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लारिंग एक्सेस इन मैनी प्लांट्स फ्लारिंग एक्सेस पे रैपिड ग्रोथ कैसे होती है लोअर लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड हायर लेवल ऑफ ऑक्सिन, हायर लेवल ऑफ जिब्रलिन और लोअर लेवल ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट लीफ एबसीशन इज प्रिवेंटेड बाय। एबसीशन का मतलब पत्तों का झड़ना कौन उसको रोकता है जिबेरिलिन सेकेंड इज इथिलीन थर्ड इज एब्सिसिक एसिड एंड फोर्थ वन इज ऑक्सिन। तो लीफ की एब्सीशन को इनमें से कौन सा हार्मोन रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डे लेंथ इन प्लांट्स वॉज फर्स्ट शोन इन हमने जो फोटोपीरियोडिज्म का प्रोसेस पढ़ा था कि किसी प्लांट को ज़्यादा डे लेंथ चाहिए और लाइट की रिक्वायरमेंट है किसी प्लांट को कम लाइट की रिक्वायरमेंट है तो ये कौन से प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फर्स्ट ऑप्शन इज बार्ले सेकेंड ऑप्शन इज लेट्यूज थर्ड ऑप्शन इज टोबैको एंड फोर्थ ऑप्शन इज टोमैटो तो आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन टेंड्रिल्स ऑफ गार्डन पीज क्वाइलिंग अराउंड एनी सपोर्ट जो मटर का पौधा है उसके टेंड्रिल्स आपको स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जब वो किसी भी सपोर्ट के आसपास क्या हो जाते हैं क्वाइल हो जाते हैं ठीक है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सीस्मोनेस्टी बी इज थिग्मोटैक्सिस थर्ड इज ग्रेविट्रोपिज़म एंड फोर्थ इज थिग्मोट्रोपिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोजेट हैबिट ऑफ कैबेज कैन बी चेंज ड्रास्टिकली बाय एप्लीकेशन ऑफ जो कैबेज है वो आपको पत्तों के एक गुच्छा नजर आता है तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं जिब्रिलिक एसिड सेकेंड ऑप्शन इज इंडोल थ्री एसिटिक एसिड थर्ड ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइटोकाइनिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबस्टांसिज विच ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड कंट्रोल ग्रोथ एल्स वेयर आर एनजाइम्स हॉर्मोन्स वाइटामिन और नन ऑफ दब नेक्स्ट क्वेश्चन इट्यूलेशन इज करेक्टराइज बाय इट्यूलेशन का जो प्रोसेस है आपको उसमें क्या प्लांट में चेंजेस नजर आएंगे

सेकेंड इज जिबरिलिक एसिड थर्ड वन इज इंडोल थ्री एसिटिक एसिड एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइनिन थैंक यू सो मच आई होप आप इस क्विज को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे थैंक यू